For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और आज हम एक बार आपके साथ फिर आ चुके हैं बिग बॉस के रिव्यू को लेकर। जी हाँ, हम बात करेंगे पूरे उस बिग बॉस के एपिसोड के बारे में जो आपने देखा और क्या क्या वो नई नई चीजें थी जो आपसे शायद थोड़ी बहुत मिस हो गई हो, तो वही सब हम आपको इसमें बताएंगे पूरी विस्तार में। तो चलिए बात कर लेते हैं पूरे एपिसोड की। बात करें एपिसोड की शुरुआत की, तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ था जब बीता एपिसोड खत्म हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोयना की। कोयना को जिस तरह से नॉमिनेट करा गया था वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी बारे में उन्होंने पूरे विस्तार में सभी घर वालों को ये बताया कि वो क्यों इस चीज़ से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर वो नॉमिनेट हुई हैं उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि किस तरह से घर वाले जो साइड में बैठ के उनके नॉमिनेशन के बाद मजाक उड़ा रहे थे, जो हंसे थे, वो उस बात से ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस तरह दलजीत वहाँ पर नॉमिनेट हुई तब वहाँ कोई नहीं हंसा, लेकिन सिर्फ उनकी नाम आने के बाद हर कोई उन पर हंसता हुआ दिखाई दिया, जिसके लिए वहाँ पर रश्मि ने उन्हें ये क्लियर करा कि वो उन पर नहीं हंस रहे थे, वो वहाँ पर जो शर्त उनकी पारस के साथ लगी थी कि हर कोई देवलोना को हटाएगा, उस वजह से वो लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, जो शायद कहीं ना कहीं बाद में ये बात कोई ना को समझ में आई होगी और उसके बाद वो इस मामले में ज़्यादा फिर आगे बढ़ाती दिखी नहीं। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी चीज और हुई जिसने लोगों को शायद थोड़ा बहुत तो हंसाया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ डे को लेकर। सिद्धार्थ डे ने जिस तरह से एक बात कही थी वहां पे शेफाली से कि तुम्हें तो फाइनल तक मैं ही लेके जाऊंगा, तो यहाँ हर किसी को तो ये लग रहा होगा कि जिस तरह से सिद्धार्थ डे खेल रहे हैं यहाँ उनका खुद का फाइनल में जाने का कोई चांस नहीं लग रहा है, तो वो किस तरह से शेफाली को लेके जाएंगे। और शेफाली ने भी ये बात वहीं पर उनके साथ क्लियर भी करी, जब शेफाली ने उनसे ये बोला कि आप मेरे को किस तरह से लेके जाएंगे, आप मेरे पे एहसान मत करिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी जिस तरह से भी पहुंचूंगी, और ये बात वहीं पर खत्म होती रही। जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन घर में दिखाई दिया वो था रोटी का। जी हाँ, हम बात करते हैं कंटेस्टेंट की, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरी वो थी रोटी और खाने ने। सबसे ज्यादा बवाल मचा इसी चीज को लेकर। बात करें जब सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात कही थी कि अगर घर में खाना बनता है तो घर में दो टाइम रोटी बन सकती है चावल के साथ और सब्जियां भी बन सकती हैं, लेकिन बात करें अगर देवोलीना की तो उनको ये चीज पहले बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घर में अगर जो भी चीज बन रही है वहां सब लोग अगर सुबह ही आ जाए वो चीज खाने के लिए एक साथ, तो वो डिसाइड हो जाएगा कि घर में कितना खाना है, किसको खाना है, लेकिन अगर यहाँ पे सब लोग एक एक करके आएंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ, कि मैं एक एक के लिए खाना बार बार पूछ के बनाऊंगी, जिसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जो बात सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ज्यादा भड़क चुके थे इस पूरे मामले पर और वो खड़े होकर साफ करा कि घर में खाना बनेगा, रोटी बनेगी, चाहे फिर राशन खत्म होता है तो हो जाए। और यहीं पर जब कोयना बीच में लड़ाई में कूदी तो उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती है अपने घर पे, लेकिन वो यहाँ खा रही हैं। इस वजह से सब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज नहीं खाता वो यहाँ नहीं खाएगा, यहाँ सबको मिल बांट के खाना होगा, क्योंकि बात राशन की है। जिस वजह से सिद्धार्थ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कहा फिर तो एक काम कीजिए, जिसको जो मर्जी है वो खाए, बल्कि राशन खत्म होता है तो हो जाए, या किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये लड़ाई जो हमें देखने को मिल रही थी सिद्धार्थ की सभी से, वो जाके सीधा भिड़ गए रश्मि से। जी हाँ, और ये लड़ाई दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि औकात तक बात आ गई, जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला ने उनसे सीधे बोल दिया कि आपकी औकात क्या है, जहाँ रश्मि इस चीज को शायद थोड़ा बहुत गलत ले गई, वो उनकी बोलने की औकात पे कह रहे थे, वो अपने पर्सनल पे ले गई और ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी तक इन दोनों की घर में लड़ाइयां होती सबको दिखती थी, लेकिन वो लड़ाई हंसी मजाक में होती थी और दोनों ही थोड़ी देर बाद आपस में मिल जाते थे, लेकिन जो ये लड़ाई हुई है ये तो एक चीज साफ करती है कि आने वाले समय में शायद और भी बढ़ती दिख जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं सीधा सना पे। जी हाँ, जैसा हर कोई जानता है कि सना घर में किस तरह से मजाक करती हुई दिखाई देती हैं, वो हर किसी को नाटक करती दिखती हैं, उनकी नकल करती हैं, लेकिन जो आज उन्होंने एक बीते एपिसोड में कर दिया वो शायद वीकेंड के बारे में सलमान खान को भी बर्दाश्त नहीं होगा। जी हाँ, वो जिस तरह से बालों को आगे कर एक भूत की नकल करके दिखा रही थी वो किसी और के लिए नहीं, वो कोयना के लिए कर रही थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत खराब चीज थी जो दर्शकों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे घर वाले वहीं बैठे थे और वो इस चीज को उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई दिए, किसी भी घर वाले ने ये चीज नहीं कही कि आप ये मत करिए क्योंकि आप किसी पर्सनल एक औरत के ऊपर आप ऐसे कर रही है जो बाहर बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा होगा, वो अलग अलग तरीके के इशारे भी करती दिखी, वो किस तरह से बाल आगे करके अगर ऐसे चलेंगी, सिगरेट लेके चल रही है, वो इशारे करते हुए सना दिखी, जो कहीं ना कहीं किसी को भी पसंद आने वाला नहीं है। और हो सकता है सलमान भी इस मुद्दे को वीकेंड के बारे में जरूर उठाने वाले हैं, जो सना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। इसके बाद सना आज फिर एक लड़ाई में बोली, वो भिड़ गई फिर माहिरा के साथ, जब माहिरा की भी वो एक्टिंग कर रही थी और माहिरा ने तो उनको जवाब दे ही दिया कि माहिरा ने कहा कि आप पे कोई काम नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए नौटंकी करती हैं, जिसमें दोनों ही काफी ज्यादा आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और आज का दिन पूरा का पूरा एक तरीके से किचन में ही ज्यादा बीतते दिखा। जब इसके बाद बात आती है टास्क की, जी हाँ, टास्क मिला अब यहाँ पे क्वीन टास्क, जिसमें घर वालों को क्वीन चुननी थी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था। इस बार क्वीन सारी एक तहखाने
कहीं तो जेल में बंद थी और सारे के सारे लड़के बाहर थे। अब उनको करना क्या था कि बजर बनने के बाद जो भी लड़का सबसे पहले किसी चाबी को उठा लेगा उसके बाद वो अपनी मर्जी से किसी भी एक लड़की को जेल से बाहर करेगा और उसके बाद वो लड़की जो वहां पड़े मटके हैं उनमें से एक नाम को उठाएगी और पानी में फेंक देगी जिसको वो क्वीन नहीं बनाना चाहती। अब जैसे ही टास्क चालू हुआ सबसे पहले हाथ मारा चाबी पर सिद्धार्थ शुक्ला ने। अब यहाँ हर किसी को लग रहा था कि अगर उनकी रश्मि से लड़ाई हो चुकी है तो सिद्धार्थ किसको बचाने वाले हैं, शायद आरती को बचा लें क्योंकि वही उनकी दोस्त नजर आती हैं। लेकिन भैया सिद्धार्थ ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बचा लिया देवलीना को। अब जहां तक लोगों को समझ आ रहा है कि देवलीना को बचाने के पीछे उनका क्या कारण हो सकता है तो उसमें एक ही चीज समझ आ रही है कि हो ना हो शायद सिद्धार्थ थोड़ा किचन में सेफ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है अब रश्मि से तो लड़ाई हो चुकी है, दूसरी बस्ती है वहां पे देवोलीना जो खाना दे सकती है उन्हें, तो वो कहीं ना कहीं उनसे अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते क्योंकि भैया उनकी ड्यूटी भी तो किचन में ही लगी है, अगर सब्जी कटवानी है काम करवाना है तो एक बंदा तो किचन में उन्हें अपने सपोर्ट में चाहिए। इसलिए यहाँ उन्होंने आरती को नहीं चुना, यहाँ उन्होंने देवोलीना को चुना और इसके बाद देवोलीना ने मटका लिया वहां पे शेफाली का, जो साफ तौर पर सभी को लग रहा था क्योंकि जैसा शेफाली ने पिछली बार क्वीन टास्क में उनके साथ करा था जहाँ वो बनती बनती रह गई थी क्वीन शेफाली की वजह से, तो उन्होंने अपना वो पूरा गुस्सा उन पर निकाला, रीजन उन्होंने अलग दिया थोड़ा बना बिना के दिया लेकिन सबको समझ आ रहा था कि उनका रीजन क्या होने वाला है इस चीज को लेकर, और उन्होंने शेफाली का वहां पे जाके मटका फोड़ दिया और शेफाली इस रेस से बाहर हो गई जिसके बाद वो काफी ज्यादा भटकती दिखाई दी थी और काफी ज्यादा उन्होंने बोला भी कि अगर आपको मुझे बाहर निकालना है आप सीधा रीजन दीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। इसके बाद फिर एक बजर बजता है और यहाँ पे पारस के हाथ में चाबी आती है। सबसे बड़ा जो गेम देखने को मिला वो यही लगा। अब सब पारस के हाथ पे चाबी आई तो हर किसी को लगा कि वो सीधा सीधा सना को बाहर निकाल देंगे, अगर नहीं भी सना को निकालेंगे तो चलिए वो महिरा को बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा और उन्होंने सीधे पहुंच गए दलजीत के पास और उन्होंने दलजीत को बोल दिया कि आप बाहर आ जाइए, जहां सभी के सभी हैरान हो चुके थे डिसीजन देख के। और दलजीत ने यहाँ पे बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने सबसे पहले ही सना को बाहर कर दिया क्योंकि उनको पता था कि अगर सना बाहर नहीं होंगी तो कोई ना कोई ऐसा तो है ही जो बार बार सना को निकालने की कोशिश करेगा और फिर सना के हाथों से किसी और के मटके फोड़ता नजर आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले सना को ही गेम से बाहर कर दिया ताकि अब और लोग खेल सके इस गेम को। और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपने नए रीजन दिए कि किस तरह से सना लड़कों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, लड़कियों के ग्रुप में कम रहती हैं तो उनकी दोस्ती उनसे उतनी ज्यादा हो नहीं पा रही। अब ये रीजन सना को कितना पसंद आया कितना लोगों को पसंद आया वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इसके बाद शेफाली बग्गा ने वही काम करा जिसके लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने सना को वहां पे बैठाया और उन्होंने सीधा सीधा पारस के खिलाफ भड़काने लगे कि किस तरह से पारस को उनको बचाना चाहिए था लेकिन ऐसा ना करते हुए पारस कहीं और पहुंच गए जिसकी वजह से अब शायद जो ट्रस्ट पारस पे पहले लोगों का था वो अब देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ आज का दिन यहाँ पे खत्म होता है लेकिन अभी गेम में और भी लोग बचे हुए हैं, कई लड़कियां और हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टास्क कौन जीतेगा और कौन सी वो लड़की होगी जो क्वीन बनेगी। ये आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा जिसका रिव्यू लेकर हम आपके साथ फिर से आएंगे और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको क्या लगता है क्वीन कौन सी लड़की बन सकती है आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे बीते अगले दिन के एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.